मानसा में गांव ठठियावाली में 17 वर्षीय नाबालिग दलित लड़की मंजीत कौर के साथ शादी का झांसा देकर बलात्कार करने का मामला सामने आया है। मंजीत कौर ने बताया कि उनके गांव का ही एक लड़का अपने दोस्त गुरसेवक से उसकी बातचीत करवाता है, जो उसे शादी का झांसा देकर अपने गांव ले गया और वहां पर उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया, जिसके बाद उसने लड़की को जूस की दुकान पर छोड़ दिया, जहां लड़की के रिश्तेदार ने लड़की से सारी बात पूछी तो वो अपने घर आई, जिस पर उन्होंने पुलिस को शिकायत की, मगर पुलिस ने उनकी सुनवाई करने की बजाय उन्हें ही धमकाना शुरू कर दिया कि लड़की का दोष है। पुलिस ने भी उसके साथ मारपीट की, जो मानसा के सरकारी अस्पताल में दाखिल है। पीड़ित लड़की के रिश्तेदार और पीड़ित लड़की ने उनके साथ जबरदस्ती करने पर इंसाफ की गुहार लगाई है। वहीं शिरोमणि अकाली दल की महिला अध्यक्ष ने कहा कि पंजाब में महिलाओं पर अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और पुलिस मुजरिमों का पक्ष ले रही है। दूसरी ओर मानसा सदर थाना पुलिस ने पीड़ित लड़की के बयानों पर दो व्यक्तियों के खिलाफ बलात्कार जैसी धाराओं के अधीन मामला दर्ज कर दोषियों की तलाश शुरू कर दी है। रामपरे वड़न लगी उन्हें जूस वाली दुकान से बिठाता जी। कहना जो तू बठिंडे रामपरे च वड़ लगी कहना मैंने फोन कर दी मौड़ा च मोड़ सर उन्हें साइड से होकर गल की जी। उन्हें सू पहला तो उन्हें सारी रात रखी है, मुड़ के उन्हें ये साढ़े हवाले करती, मुड़ के सू धमकियां दिता रहा। तो हूँ जी कल जो असी पैसे साड़ी कोई जाओ चली नहीं गई जी। उन्होंने पैसे पूसे दिते से पुलिस वाले ने, तो कुड़ी साड़ी ले गए कहते असी जूस वाली दुकान से पता कर दें भी कितने जूस पीता से कितने गए से। उस वे जाके साड़ी कुड़ी कुटी, ये तो हूँ तुरै नहीं जाता। असीं तां सज़ा दवानी चाहुंदे आ ना दीपी नूं ना सेवक नूं, ओह कुड़ी नूं भी संदीप नूं। देखो जी लड़की है जिहड़ी उहनूं बेइंसाफी दा जिहड़ा सामना करना पै रिहा है, जिथे उहदे नाल पिछले दिन घटना वापरी जे उहदी उहने शिकायत कीती तां प्रशासन ने भी उहदा बिल्कुल साथ नहीं दित्ता। ये तुसीं ये देख लो भी ज़्यादा सरकार अन्नी ते बोली दोनों हो चुकी है, क्योंकि जो असी देखिया भी औरतों के उपर अत्याचार जदों की सरकार आई है बढ़ रही है। इतने 4 सालों की लड़की नाल बलात्कार हो गया, उसका मर्डर किया जाता है, उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई। हालांकि जिहड़ा दोषी है वह कांग्रेस के घरों लभदा है। उस तरह हुण भी जो अत्याचार बढ़ रहे हैं, अज इस लड़की नाल भी इतने प्रशासन ने उसकी कोई सुनी नहीं, सगो की पुलिस ने उन्हों ज़्यादा टॉर्चर किया। तो मैं मंग करती हाँ भी जे औरतों के अत्याचार इस तरह नहीं बंद हो गए तो औरतां संघर्ष करनगियां। समाज के उपर कांग्रेस ने एक यह कलंक पोची है, क्योंकि औरतां कितें भी सुरक्षित नहीं है। सर एक नाबालिग लड़की रेप का मामला आया, की मामला सी? साढ़े कोल कल मैटर आया सी, पिंड ठठियां दी एक लड़की है जिन्हें रात में सानू बयान लिखाया कि गुरसेवक सिंह सन ऑफ भोला सिंह वासी मोड़ ते दीपी सन ऑफ जस्सा सिंह वासी ठठियां वाली इन्हों का आपस में दोस्त सीगे। तो दीपी ने इहदे नाल लड़की नाल गल कराई, 12 तरीक नूं आए जो उन्होंने लड़की नूं चढ़ा के लै गए तो मोड़ के खेतों वाल जाके उसने रेप करके तो 13 तरीक नूं उन्होंने छड़ता। साढ़े को आते असी उनकी बयान स्टेटमेंट लिख के उन्होंने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया गया। 376 पॉक्सो एक्ट एस सी एक्ट का वाधा किया जा रहा है।